आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज आयुर्वेद समाधान के इस अंक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से करेला मधुमेह के रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकता है। करेला अग्नाशय को उत्तेजित कर इंसुलिन के स्राव को बढ़ाता है। करेले में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में होता है। ये इंसुलिन मूत्र एवं रक्त दोनों ही शर्करा को नियंत्रित रखने में समर्थ है। आप भी देखें इस वीडियो में कि कैसे आप कर सकते हैं करेले का उपयोग मधुमेह शुगर की बीमारी से लड़ने में। हम करेले को कई तरह से यूज में ले सकते हैं, बस आप इसका सेवन कीजिए। अधिक से अधिक करेले का सेवन मधुमेह में आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। तो आइए जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। करेले का जूस, ये थोड़ा सा कड़वा होता है, लेकिन जितना ये कड़वा होता है उतना ही लाभदायक होता है। ज्यादातर मधुमेह के रोगी करेले का जूस अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं। डाइट में करेले का जूस वो पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से सेवन करते हैं। चार करेलों का जूस बिना छिलका उतारे निकाल लीजिए। चार करेलों के जूस को तीन हिस्सों में बांट लीजिए। तीसरे हिस्से में 100 ग्राम पानी मिलाइए और रोजाना तीन बार करीब तीन महीने तक इसका सेवन कीजिए, यानी इसे पीजिए। आधा कप करेले के रस में आधा नींबू निचोड़कर आधा चम्मच राई और स्वाद के अनुसार नमक और एक चौथाई पानी मिलाकर रोजाना दो बार पीने से जरूर लाभ होता है। करेले को सब्जी के रूप में खाना तो स्वादिष्ट होता है, कई लोगों की तो ये फेवरेट सब्जी भी होती है। खाने में भी करेले की सब्जी बिना छिलका उतारे बनानी चाहिए। हाँ, हल्की सी कड़वाहट आ सकती है, लेकिन अगर स्वाद के साथ आपका मधुमेह ठीक होता रहे तो ये कड़वाहट जायज है। करेले का चूर्ण, ये आपने शायद पहली बार ही सुना होगा। जब करेले का मौसम हो तो 20 किलो अच्छे से करेले धोकर साफ कर लीजिए, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, उन्हें छाया में सुखाइए। ज्यादा तेज धूप में ना सुखाएं ताकि उसमें इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो बरकरार रह सके। सफाई का ध्यान रखते हुए करेले सूख जाने पर पीस कर ऐसे बर्तन में रख लीजिए जो बिल्कुल साफ हो, ढक्कनदार हो। गर्म हवाओं का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस डब्बे में आप उसे रख रहे हैं एयरटाइट करके बंद कर दें। इस पाउडर की एक एक चम्मच सुबह, दोपहर और शाम तीन बार ठंडे पानी से फंकी लेते रहें, यानी इसका सेवन करते रहें। मधुमेह में बहुत लाभ होगा। करेले को सुखाकर रखने पर भी इसके गुण नष्ट नहीं होते, लेकिन विशेष ध्यान ये रखें कि इसको कड़ी धूप में ना सुखाएं। विशेष बात जानने के लिए ये है कि मधुमेह के रोग में करेला कम से कम चार महीने तक सेवन करें और इसका सेवन खाली पेट करना चाहिए और इसके सेवन के आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए इसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए। इससे मधुमेह के साथ साथ रक्त शुद्धि भी होती है और आपके चेहरे पर ग्लो भी आता है। हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों द्वारा लिखी गई रचनाओं से ली गई है। इस संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है ayurvedsamadhan@gmail.com। आयुर्वेद के ऐसे ही समाधानों के लिए और हमेशा स्वस्थ और सुंदर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुर्वेद समाधान।